आगरा में अपने समाज की प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से लोधी क्षत्रिय एम्प्लाइज एसोसिएशन लक्ष्य आगरा द्वारा 9 अक्टूबर रविवार को सूरसदन में विभिन्न क्षेत्रों की 500 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। अब तक 450 प्रतिभाएं अपना निःशुल्क पंजीकरण करा चुकी हैं। ये प्रक्रिया 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस समारोह के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से गुरुवार को भगवान टॉकी चौराहा स्थित होटल आशादीप में समाज सेवियों द्वारा समारोह का पोस्टर विमोचन कर जारी किया गया। संस्थापक संरक्षक हम लोग जो है सभी जो बुद्धिजी भी हैं उनके लक्ष्य के माध्यम से सभी जो निर्धन लोगों को उनके सहयोग करते हैं, उन छात्रों को जो पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी अभाव के कारण उनके लिए हम पूरा मदद करते हैं। हमने 3 कोचिंग चला रखी है गरीब लोगों के लिए और एक हॉस्टल अवधपुरी में चल रहा है और हमारा मेन उद्देश्य जो है शिक्षा है। आराम में 3 कोचिंग कहाँ किस किस स्थान पर है? ये एक खेरावड़ में है और 2 अजमेरा। पिछली बार जो है 3 बच्चे नवोदय में और 8 बच्चे सैनिक स्कूल में उन कोचिंग सेंटरों के माध्यम से प्रवेश। मेरा नाम किशोरी सिंह, मैं लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन आगरा का अध्यक्ष हूँ। जी, किस तरह की आज प्रेस वार्ता बैठा ली गई है, क्या पूरी रूपरेखा है? आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है लोधी राजपूत समाज के जितने भी छात्र छात्राएं हैं और जो भी गौरव हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में या किसी प्रतियोगी परीक्षा में स्थान लेकर के आए, उनका 9 अक्टूबर 2022 को सूरसदन आगरा में एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, तो उसकी जानकारी जन जन तक पहुंची, इसीलिए आज की प्रेस वार्ता हुई। लगभग कितने बच्चों का सम्मान समारोह कराया जाएगा? लगभग 500 बच्चों का सम्मान समारोह करने का हमारा कार्यक्रम है। इसमें लोधी समाज के रहेंगे या अन्य समाज के भी रहेंगे? केवल लोधी समाज के छात्र छात्राएं रहेंगे इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसमें हमारे जो आइकॉन है लोधी समाज के पूरे भारतवर्ष के, उसमें प्रमुख रूप से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के उप कुलपति जी है प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारे वरिष्ठ IAS नरेंद्र बहादुर सिंह जी है, वो हमारे बच्चों को सम्मानित करेंगे और उनको आगे भविष्य में क्या करना है उसकी टिप्स देंगे। आदरणीय श्री RP सिंह जी जज साहब हैं, वो बच्चों को टिप्स देंगे। अपर निदेशक ITI उत्तर प्रदेश के अमरपाल सिंह जी वो देंगे। इसी तरह से हमारे IAS IPS और भी उच्च पदों पर आसीन लोग हैं लोधी समाज के, वो आकर के बच्चों को गाइड करेंगे कि भविष्य में आपको किस तरह से आगे बढ़ना। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।